हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन तड़का। दोस्तों, हम यहाँ पर अपनी पेस्टिंग बुकरम की जो चौड़ाई ले रहे हैं वो 15.5 इंच ले रहे हैं, और जो लंबाई ले रहे हैं यहाँ पर 12 इंच ले रहे हैं। अब हम इसे बीच में से फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद इस पर हम ऊपर की साइड में एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर पहले हम ऊपर की साइड में एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर 6 इंच पर एक निशान लगा देंगे, और यहाँ पर नीचे की साइड में लाते हुए हम 11 इंच पर एक निशान लगा देंगे, और यहाँ पर भी एक 6 इंच की लाइन सीधी ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन को इस लाइन से मिला लेंगे। याद रखिए, इसकी लंबाई हमारी 11 इंच है और चौड़ाई 6 इंच है। अब यहाँ पर 3 इंच पर एक नेक का निशान लगाएंगे, और 3.5 इंच पर हम अपनी नेक की लंबाई रख रहे हैं। इसको भी बॉक्स बनाते हुए हम बॉक्स बना लेंगे, और अपनी राउंड शेप नेक की ऊपर वाली साइड में बॉक्स में दे देंगे। अब इसके बाद दोस्तों, यहाँ से जहाँ हमारी ओपन साइड है वहाँ से इंची टेप रखते हुए हम इस तरह से 7.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। आप चाहे तो 6 या 6.5 पर भी लगा सकते हैं। और इस निशान को जो हमने यहाँ पर लगाया है, इसे कॉर्नर से 20 सेंटर में यानी कि इस तरह से मिला देंगे, और पिनअप करते हुए अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। तो हम अपने नेक की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये नेक की कटिंग कर ली है। पिन निकालते हुए हम अब एक कपड़ा लेंगे। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर जो कपड़ा ले रखा है, मैंने उसको 20 सेंटर में सिलते हुए 2 कलर में यहाँ पर सिल लिया है। मैंने इन्हें आपस में जोड़ लिया है, 2 कलर के कपड़े। और इस नेक को हम इस पर रखते हुए गर्म प्रेस से चिपका देंगे। याद रखिए, जो आपकी लाइनिंग है बिल्कुल 20 सेंटर में ही आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये चिपका कर तैयार कर लिया है। अब इसके बाद दोस्तों, हम जो साइड का कपड़ा है, जो फालतू कपड़ा है, उसको कट कर देंगे आधा आधा इंच छोड़ते हुए। ये जो साइड में हमारे कपड़ा है इसको हम निकाल देंगे, और इसे निकालने के बाद इस साइड में हम एक डोरी लैस लेंगे, यानी कि डोरी होती है ये। तो यहाँ पर जो हमारी लाइनिंग है, कपड़ा जुड़ा हुआ है, वहाँ पर हम इस तरह से एक डोरी लेंगे। इसे बीच में से फोल्ड करते हुए, और जो डोरी का बीच वाला पार्ट है यानी कि फोल्ड है जहाँ से, वहाँ पर हम इसे सुई से इस तरह से टाक देंगे। आप किसी भी तरह की डोरी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको टाकते हुए, अच्छी मजबूती से हमें टाकना है दोस्तों यहाँ पर। और हल्का सा ऊपर को ले जाते हुए, यानी कि 1/2 इंच के बराबर हम इस तरह से गैप देते हुए इन्हें टाक देंगे। अब हम इसमें इस डोरी में गांठ लगाना स्टार्ट करेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो हम इसमें 6 या 7 गांठ लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, हमारा गैप आ रहा है। तो हम यहाँ पर 7 गांठ लगा रहे हैं। और सेम इसी तरह हम अपनी इसको कंप्लीट करने के बाद दूसरी डोरी में भी इसी तरह सेम गांठ लगा लेंगे। जो हमारा ये देखिए डोरी का ये वाला, अब इस वाले में भी इसी तरह से लगा लेंगे, और इसे भी लगाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों, हम जहाँ से यहाँ पे बाद में हम टाक देंगे, अब दोस्तों यहाँ पर हम 1.5 इंच का एक ऊपर निशान लगाएंगे और 1 इंच का
नीचे की साइड में लगाएंगे जहाँ से डोरी हमारी जुड़ी हुई है उससे ऊपर एक इंच और पूरा डेढ़ इंच। तो यहाँ पर हम जहाँ पर हमने एक इंच का हल्का सा निशान लगाया था यानी कि डोरी से जहाँ डोरी हमारी जॉइंट है उससे ऊपर ठीक एक इंच, या एक इंच से आप कम कर सकते हैं जितना आपको गैप ठीक लगे। ये देखिए एक इंच है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर फिर सुई लगाई, फिर हम डोरी को बीच में से मोड़ते हुए इसका फोल्ड भाग यानी कि बीच सेंटर सुई से टाक देंगे। जिस तरह सेम हमने नीचे वाली डोरी लगाई उसमें गांठे बांधी, सेम इसका भी हमें ऐसा ही करना होगा। तो यहाँ पर मैंने ये डोरी लगा कंप्लीट कर लिया। अब इन्हें सुई से हम टाक देंगे और इसके बाद दोस्तों हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेंगे। और कुर्ती का कपड़ा लेते हुए अपने नेक को बिल्कुल कुर्ती के बीच सेंटर में इस तरह से रखते हुए हम यहाँ सिलाई लगा देंगे अपने राउंड के यानी कि नेक के अंदर। और इस कपड़े को जो हमारे पेस्टिंग वाला बुकरम वाला कपड़ा है इसे इस तरह से सिलाई से कच्ची सिलाई से इसे भी सिल देंगे। तो आइए हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने नेक के अंदर राउंड शेप में सिलाई इसके अंदर अंदर लगाएंगे। आपकी सिलाई बुकरम पर नहीं आनी चाहिए, ओनली कपड़े पर ही हो और बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे आपकी सिलाई लगनी चाहिए। तो हमने नेक की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद दोस्तों हमारे जो बुकरम के साइड का कपड़ा है इसे भी इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए हम एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। और दोस्तों बाद में ये सिलाई हमारी निकल जाती है, इसको हम उधेड़ देते हैं, इसलिए यहाँ पर हम एक कच्ची सिलाई लगा देते हैं अपने पूरा नेक को कवर करते हुए हम सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों इसे कंप्लीट करने के बाद हम नेक का जो अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा है आधा आधा इंच छोड़ते हुए हम एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे, ये देखिए, और नोचेस लगा देंगे। और इसको अब पलट लेंगे, सीधी साइड हम अपने नेक को ले आएंगे। तो हम यहाँ पर ये सीधी साइड ले आए हैं। अब दोस्तों हम इस पर अपने बटन लगा लेंगे और बटन लगाने के बाद हम ये देखिए हमने बटन लगा लिए हैं, स्टोन लगा लिए हैं प्लेन साइड पे मैंने। अब जो हमारा यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे अपने और यहाँ पर हम इसे सिलाई लगा कर कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये देखिए सिलाई लगा ली है, अपने नेक को कंप्लीट कर लिया है जो देखने में इस तरह की लुक दे रहा है। तो दोस्तों आप किसी भी डोरी से डिज़ाइनिंग बहुत ही ईजिली तैयार कर सकते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। तो दोस्तों आप भी इस तरह की डिज़ाइन अपनी कुर्ती पर बनाकर अपनी कुर्ती को खूबसूरत बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।